घंटे बाद हमारा निकाह और तुम मुझे अभी बोल रही हो कि निकाह नहीं हो सकता? क्या मतलब है? मैं नहीं सुन रही कुछ। क्या हुआ हीरा? वो कह रहे हैं निकाह नहीं हो सकता। क्या मतलब है निकाह नहीं हो सकता? मुझे नहीं पता यार, घर वालों को क्या बताऊं? अच्छा प्लीज एक मोमेंट पे, प्लीज रोना नहीं है, तुम्हारा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। यार कहीं उसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है? मेडिकल प्रॉब्लम वो अब बता रहा है उसको मेडिकल प्रॉब्लम है? यार निकाह से तो उसने पहले ही बताया वैसे। Shut up यार, it's not a joke। यार ऐसा कहीं होमो वाला सीन तो नहीं है? लगता तो नहीं है मुझे। यार आजकल वैसे पता भी तो नहीं चलता ना। Stop it यार, please। इस तरह का कोई मसला नहीं है। अच्छा हीरा बात तो सुन लो। हीरा बताओ तो सही, बात क्या हुई है? यार तुम्हें तो पता है मैं और वो अलग फिरके से हैं। हाँ लेकिन ये बात तो सबको पता है और तुम लोगों की फैमिलीज को अपेरेंटली इससे कोई मसला भी नहीं था। इशू तो अब भी कोई नहीं है। तो फिर क्या बात है? मसला ये है कि मौलवी किसका आएगा? मौलवी किसका होगा, ये क्या बात हुई? मौलवी तो मौलवी है, किसी भी फिरके से हो क्या फर्क पड़ता है? तो फिर वो क्यों इशू बना रहे हैं कि उनका मौलवी आए? तुम ना उनको अपना मौलवी लाने दो। मेरी फैमिली कभी उनके मौलवी पे नहीं मानेगी। ये तो बहुत नाजुक सूरत हाल है। आधे लोग तो हॉल पहुंच भी चुके हैं। ऐसा करो निकाह ही मत करो, कल इनकी कोर्ट मैरिज करा देते हैं। पॉसिबल नहीं है, प्लीज कोई और आइडिया बताओ। यार क्रिकेट में जैसे न्यूट्रल एम्पायर होते हैं ना, उसी तरह से किसी तीसरे फिरके के मौलवी को बुलवा लेते हैं। ये अच्छा आइडिया है। पापा की कॉल आ रही है। हेलो जी पापा, मेकअप हो गया है, बस आ रही हूँ। ओके क्या करूं यार? हम कोई ऐसा मौलवी ढूंढ लेते हैं जिसपे किसी भी फिरके को कोई एतराज ना हो। अब ऐसा मौलवी कहाँ से मिलेगा भाई? बात तो तुम्हारी भी ठीक है, आजकल मौलवियों की भी इतनी किस्में हैं। बंदा करे तो क्या करे, पर इनकी तो पगड़ियां ही नहीं मिलती, हालात कहाँ से मिलेंगे? रमजान ट्रांसमिशन और इलेक्शन के टाइम तो सब इकट्ठे बैठे होते हैं। यार मामा की कॉल आ रही है, क्या कहूँ इन्हें? क्या करें अब? पता नहीं। फातिमा प्लीज कुछ ढूंढो, जल्दी से कुछ पता करो, किसी को फोन करो, किसी से पूछो, किसी को कोई मौलवी पता होगा। गूगल पे तो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की चीजें। तुम गूगल पे चेक करियो, किसी को फोन करो। यार कहाँ से लाया ऐसा मौलवी? इनसे पूछ लेते हैं, शायद इनको पता हो कोई ऐसा मौलवी जिस पे किसी भी फिरके को कोई एतराज ना हो। इन्हें कहाँ ऐसे मौलवी पसंद होंगे, इन्हें तो वो मौलवी पसंद है जो नफरतें फैलाते हैं और झगड़े कराते हैं। ओ वो मौलवी भी तो है। नहीं 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 नहीं, वो तो बहुत गालियाँ देता है। हमारी पगड़ी वाला नहीं, मुझे लगता है लोगों को मसला होगा। अगर मोटा वाला, वो कोई और सोचो।